आज मैं बताऊंगी आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। जब हम एक रैशनल नंबर को रैशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमें पता है, ऑब्वियस सी बात है, रैशनल नंबर आएगा। चेक करते हैं, 1/2 रैशनल है, 1/3 रैशनल है, 1/6 आंसर आ रहा है, रैशनल नंबर आ रहा है। बट क्या एक इरैशनल नंबर को जब हम इरैशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर ऑलवेज इरैशनल होता है? चेक करते हैं, √2 √3 को मल्टीप्लाई करो तो दोनों इरैशनल नंबर हैं, आंसर क्या आ रहा है? ऑलवेज एन इरैशनल नंबर, राइट। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल मैंने पर लिखा है, √5 × √5 क्या बन गया? √25। √25 तो क्या हो जाता है? 5 हो जाता है। तो जब हमने यहाँ पर दो इरैशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आ रहा है? रैशनल आ रहा है। सो नट शेल में अगर हम इरैशनल नंबर को इरैशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कैन बी अ रैशनल और एन इरैशनल नंबर।